और इसी बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर कन्नौज से सामने निकल कर आई है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते एक छात्र की हत्या कर दी गई। बता दें छात्र की हत्या लड्डू में जहर देकर की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की कन्नौज से सामने आई है, जहां पर एक पुरानी रंजिश के चलते एक छात्र ने अपनी जान गंवा दी है। बता दें छात्र को लड्डू के जरिए जहर मिलाकर लड्डू खिलाया गया, जिससे छात्र की मौत हो गई है। बता दें धोखे से ये लड्डू खिलाया गया था, जिसमें जहर मिला हुआ था। बता दें छात्र की तबीयत बिगड़ गई लड्डू खाते ही, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और इसी दौरान छात्र की मौत हो गई है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। और बताते चले कि तीरवा क्षेत्र के जसपुरा पुर सरैया मामला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक छात्र की हत्या कर दी गई है पुरानी रंजिश के चलते। पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक साजिश गढ़ी गई और एक लड्डू में जहर मिला दिया गया और वो लड्डू धोखे के साथ छात्र को खिलाया गया और इसके बाद छात्र की हालत खराब हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ गई और इसी दौरान जब छात्र को अस्पताल ले जाया जा रहा था और इस दौरान छात्र की मौत हो गई है। बता दें पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है और ये पूरा मामला पुरानी रंजिश के चलते इसको अंजाम दिया गया है। 6 बजे घर से कोचिंग सेंटर के लिए निकला तो रास्ते में मोहल्ले के एक लड़के ने उसको बोला कि ये लड्डू गोलू खा लो ऋषभ वर्मा, ये प्रसाद है बजरंगबली बाबा का, कल मंगल का दिन था। तो उसने उसको मना किया कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेट हूँ, मैं प्रसाद नहीं लूँगा। तो उसने बोला प्रसाद को मना नहीं किया जाता है, प्रसाद ग्रहण करो। तो उसने ले के खा लिया। सरैया बाज़ार में जितेन कमल के यहाँ जब वो पहुँचा है वहाँ पर, तो 10 मिनट लमसम में वो बैठा, कुछ थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद में उसको। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्र प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है कि आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है? जी बिल्कुल, आपको पल्लवी जी आपको बता दें, त्रिवा कोतवाली क्षेत्र को जसप्रिया सरैया में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया। पुराने रंजिश को लेकर जहरीला लड्डू खाने का मामला सामने आया। एक छात्र कोचिंग पढ़ने जा रहा था, रास्ते में एक युवक मिला, जिसके बाद उसने उस लड़के को बजरंगबली का प्रसाद बताकर उस लड़के को लड्डू दिया था, जिसके बाद छात्र ने लड्डू खाया और उसके बाद वो कोचिंग पहुंचा, वहाँ बेहोश हो गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने गांव के ही लोगों पर गंभीर आरोप लगाया, पुरानी रंजिश को लेकर ये प्रसाद में जहर मिलाने पर लड्डू गिलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस के पास पूरा मामला पहुंचा है, पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। जी जी, तो चंद्र प्रकाश, बच्चे की उम्र क्या कुछ रही होगी जिसकी मौत हो चुकी है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दें 17 वर्षीय बच्चा बताया जा रहा है, ये कोचिंग पढ़ने जा रहा था, रास्ते में युवक ने इसको बजरंगबली प्रसाद बताया था कि इसमें बजरंगबली का प्रसाद है, ले लीजिए, पर बच्चे ने लड्डू खाया था, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हुई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जो मृतक छात्र है, उसके परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस पर शक जो है जताया जा रहा है? बिल्कुल, गांव के ही एक युवक मोहल्ले में रहने वाला, उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर उसी पे आरोप लगाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो गिरफ्तारी कब तक चंद्र प्रकाश? बड़ा सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि बच्चे की मौत हो जाती है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, क्या कुछ जाँच पुलिस की तरफ से अभी तक सामने आई है? बिल्कुल, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का कहना है जल्दी आरोपी को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। मामले की जांच पड़ताल, मामला अगर पहले प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा है, मामले की पूरी जांच पड़ताल की जाए। परिजनों का जिस तरह से आरोप है कि गांव के ही लोग के आरोप है, जिसके पहले पूरी पूरी मामले की जांच पड़ताल करे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। जी जी चंद्रपाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।